Hello. Today we will be studying The Beggar, which is chapter 8 of your book. I hope you have gone through the reading session of this chapter on the previous video I shared. And if you have gone through it, I expect you to have a better understanding of this chapter. This story, The Beggar, has been written by Anton Chekhov. Now, Anton Chekhov was one of the finest writers and playwrights ever known. He used to write on human nature and with a blend of social messages. If you ever get a chance to read The Chameleon or the Hindi translation of it with the name The Girgit, please read it. It's humorous, it's hilarious. Also, if you get to watch a play by him, The Marriage Proposal, because I have watched it, I know it is hilarious. So, don't miss the chance. Now, coming to the story, The Beggar, let me introduce you to the three characters in this particular chapter. We have Skodzo. His name is a bit difficult to spell. So I would suggest you to write his name 4 or 5 times so that your fingers remember the spelling. Skodzo is a lawyer. He lives in Russia in Petersburg. I have sketched a person, a quintessential lawyer. Then there is Lashka, who is a beggar, and Olga, who is Skodzo's maid. So Lashka and Olga, he is sad because he's a beggar. And Olga is a cross creature. Cross creature, which I believe that you have gone through the list of tough words and expressions that I shared. Cross creature means a person who is angry all the time. So let's start with the story. This story begins from the scene where Lashka is standing outside Skodzov's home. So Lashka jo hai wo kahan khada hai? Wo Skodzov ke ghar ke bahar khada hai. Aur Lashka Skodzov ko kehta hai ki kind sir, please be kind to notice a poor man. आप इतने दयालु बने कि मुझ जैसे एक गरीब इंसान पर आपका ध्यान जाए और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कई दिनों से कुछ भी खाया नहीं है, कुछ भी पिया नहीं है और रात को रहने के लिए मेरे पास जगह नहीं है. स्कोडजो से जब ये भीख मांग रहा था लश्कर, तब स्कोडजो उसको बड़े askance में देखता रहा, askance शक की निगाहों से. स्कोडजो वॉज लुकिंग एट लश्कर इन askance. ही वॉज सस्पिशियस अबाउट दिस पर्सन. एंड देन लश्कर कंटिन्यूड. लश्कर ने कहा कि एक्चुअल में मैं एक स्कूल मास्टर हूं जिसे काम से निकाल दिया गया है बाय द इंट्रीग ऑफ ज़ेम्त्सोव. लश्कर क्लेम्स दैट ही हैड बीन अ स्कूल मास्टर हु हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम वर्क बिकॉज ऑफ द इंट्रीग्स ऑफ ज़ेम्त्सोव. नाउ व्हाट इज ज़ेम्त्सोव एंड व्हाट इज एन इंट्रीग. ज़ेम्त्सोव रशिया के समय में एक सेल्फ गवर्निंग सरकार रही थी जो काफी बदनाम थी. इट वॉज इनफेमस. सो लश्कर सेज दैट ही वाज अ स्कूल मास्टर और सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत उसे काम से निकाल दिया था. इंट्रीग का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, विच आई बिलीव वाज इन दैट लिस्ट दैट आई शेयर्ड विथ यू. तो एक षड्यंत्र के तहत स्कूल मास्टर को काम से निकाल दिया गया है और वो बेचारा एक बेगर बन गया है. खैर आगे बढ़ते हैं. तो स्कोडजो जो है वो अभिशाप की निगाहों से लश्कर को देख रहा है. लश्कर वो भीख मांगता जा रहा है और स्कोडजो अचानक से बोलता है रुको. स्कोडजो ने नोटिस कर लिया था कि उसने ये लाल गाल और ये ब्लू ओवरकोट जो इस आदमी ने पहना हुआ है और ये जो उसके बूट्स है जिसमें से एक टूटा हुआ है, इतना टूटा हुआ कि उसे जूता लग रहा है और दूसरा बूट जो है वो उसके घुटने तक आ रहा है. वो समझ जाता है कि इस आदमी को मैंने देखा है. और स्कोडजो बोलता है लश्कर से, बोलता है रुको, मैंने तुम्हें पहले देखा है. तुम वही आदमी हो ना जो 2 दिन पहले सैडोवा स्ट्रीट में भीख मांग रहे थे और वहां तुमने मुझे कहा था कि तुम स्कूल मास्टर नहीं हो. वहां तुमने मुझे कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, एक्सपेल कर दिया गया है. अब हमारा लश्कर जो हमारा भिखारी है वो घबरा जाता है. वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. वो इट कैन नॉट बी सो. आई एम अ स्कूल मास्टर, आई कैन शो यू द डॉक्यूमेंट्स. मैं एक स्कूल मास्टर हूं, मैं आपको चाहूं तो कागजात दिखा सकता हूं. तो स्कोडजो बोलता है नहीं 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 नहीं, तुम वही हो जिसने मुझसे 2 दिन पहले भीख मांगी थी और तुमने मुझे कारण भी बताया था कि तुम्हें यूनिवर्सिटी से क्यों निकाला गया है. स्कोडजो के इस गुस्से को देखकर लश्कर घबरा जाता है और वो और सब पकाकर ही मटर्स यानी उसकी आवाज जो है वो टूटने लगती है. वो हिचकिचाता हुआ बोलता है नो बट आई कैन शो यू द पेपर्स, आई कैन प्रूव दैट आई एम अ स्कूल मास्टर. स्कोडजो बोलता है बेटा ज्यादा झूठ बोल रहे हो ना, मैं तुम्हें अभी पुलिस में डलवा दूंगा. आई विल हैंड यू ओवर टू पुलिस, सेज स्कोडजो. लश्कर फाइनली घबरा जाता है, डर जाता है, बोलता है कि अब बहस करने का फायदा नहीं है क्योंकि पुलिस के पास अगर गए तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते. तो बेचारा घबराया हुआ लश्कर जो है वो अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि हाँ साहब, मैं
कोई स्कूल मास्टर नहीं हूं, मैं कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं हूं, वो सिर्फ मेरी मनगढ़ंत कहानी थी। इट वॉज मियर इन्वेंशन, मियर यानी केवल, खालिस इन्वेंशन यानी एक आपने जो चीज इन्वेंट कर दी, एक मनगढ़ंत कहानी आप अपने हिसाब से इन्वेंट करते हो। तो कहता है, यस सर इट वॉज मियर इन्वेंशन, आई एम नीदर अ स्कूल मास्टर नॉर अ स्टूडेंट, आई यूज टू वर्क इन रशियन क्वायर। रशियन क्वायर रशिया में जो बैंड रहा होगा गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी, एक बड़े से बैंड में मैं काम करता था। तो स्कोर्जो बोलता है, और फिर तुम ये क्यों कर रहे हो, ये सब जो तुम कर रहे हो। तो लश्कर बोलता है कि सर ऐसा है कि उस रशियन कॉयर से मुझे मेरे ड्रंकननेस यानी शराब पीने की आदत की वजह से निकाल दिया गया। लश्कर टेल्स स्कोर्जो दैट ही हैड बीन थ्रोन आउट ऑफ द रशियन कॉयर बिकॉज ऑफ हिज ड्रंकननेस। स्कोर्जो बोलता है, देखा मैं समझ गया था कि जो तुम कहानी सुना रहे हो ना कि तुम एक स्कूल मास्टर हो और तुम्हें कलुगा डिस्ट्रिक्ट में नौकरी मिल गई और तुम्हें वहां जाने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, इसके पहले लश्कर ने एक बात बड़ी मजेदार बोली थी। उसने कहा था, आई डू नॉट लाइक टू बैग, आई डोंट वॉन्ट टू बैग, आई एम कंपेल्ड बाय सर्कमस्टांसेस। कंपेल्ड बाय सर्कमस्टांसेस कितना अच्छा एक्सप्रेशन है, कंपेल्ड बाय सर्कमस्टांसेस। कंपेल्ड यानी मजबूर, कंपल्शन से निकला कंपेल्ड, बाय सर्कमस्टांसेस यानी हालातों से। तो मैं हालातों से मजबूर हूं, मेरी साहब इच्छा नहीं है भीख मांगने की, मेरे कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। स्कॉट्सो बोलता है, ये तुम्हारा कोई कंपल्शन नहीं है, तुम जो हो तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम्हारे अंदर से शराब की बदबू आती है, वो भी ऐसी जैसी तुम किसी खेत में खड़े हो जहां पर वीड उगाया जाता हो। यू रीक ऑफ वोडका, रीक यानी बदबू आना, यू रीक ऑफ वोडका, वोडका एक अल्कोहल होता है, लाइक पॉट हाउस। पॉट हाउस वो एरिया होता है जहां पर एक तो वीड उगाया जाता है और कुछ एरियाज जहां पर वीड का स्मोकिंग की जाती है, लोग एक साथ बैठकर शराब पीते हैं और वीड का इस्तेमाल करते हैं। तो स्कोर्जो कहता है, यू रीक ऑफ वोडका लाइक पॉट हाउस एंड यू आर करप्ट, इट इज कंटेम्प्टिबल। ये एक अपमानजनक बात है जो तुमने मेरे साथ की है, क्योंकि स्कोर्जो, अच्छा अच्छे लोगों के साथ एक बड़ी अच्छी बात होती है, अच्छी क्या एक बात होती है कि वो जो है वो दूसरों का बड़ा भला करते फिरते हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें उस बात को लेकर अहंकार आ जाता है। ऐसा ओशो ने भी कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन खैर अंतोन चेकव ने कहा कि स्कोर्जो जो था वो अपने अंदर सिर्फ एक ही चीज का सम्मान करता था, और वो क्या चीज थी, वो चीज थी कि वो लोगों के साथ बड़ा चैरिटेबल था। ही वॉज वेरी चैरिटेबल, ही वॉज वेरी काइंड, ही यूज टू हेल्प पीपल विथ नो इल फीलिंग्स, नो मिसगिविंग्स। तो स्कोर्जो कहता है कि तुमने मेरे अंदर के उन चीजों का अपमान किया है और तुम एक बहुत ही गंदे इंसान हो, यू हैव बिकम करप्ट टू द मैरो ऑफ योर बोन। अब देखो ये कितना अच्छा एक्सप्रेशन है, मैरो ऑफ योर बोन। इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक तो मैरो जो होता है वो शरीर में बहुत गहराई में होता है, तो अगर कोई कहे कि यू आर करप्ट टू द मैरो ऑफ योर बोन यानी तुम गहराई तक भ्रष्ट हो गए हो। दूसरा, मैरो जो होता है वो हमारे अंदर ब्लड को विकसित करता है, तो अगर कोई कह दे कि आपका मैरो ही भ्रष्ट हो गया है, मतलब आपके खून में क्या दौड़ने लग गया है, भ्रष्टाचार। तो स्कोर्जो इतनी बड़ी बात कहता है कि यू हैव बिकम करप्ट टू द मैरो ऑफ योर बोन एंड यू वुड नेवर डू एनीथिंग इन योर लाइफ एंड यू आर जस्ट बेगिंग एंड फूलिंग पीपल अराउंड। लश्कर जो है वो बड़ा शर्मिंदा हो जाता है, वो लगभग आप मानिए कि उसका सर जो है वो बिल्कुल जमीन को देखने लगता है, वो इधर उधर देखता है कि किसी तरह यहां से निकल सके, लेकिन स्कोर्जो से डांटता चला जाता है। स्कोर्जो फ्लू इनटू रेज यानी स्कोर्जो इतना गुस्सा हो जाता है, एकदम गुस्से से लाल घूम कर डांटता है, पलट कर डांटता है, डांटता है, डांटता है, डांटता चला जाता है। और फिर लश्कर कहता है कि साहब ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं करना चाहता, मैं काम करना चाहता हूं, पर मैं क्या करूं, मुझे कोई काम देगा ही नहीं। स्कोर्जो बोलता है, अच्छा बेटा तुम इतने जवान हो, तंदुरुस्त हो, मतलब कोई बीमारी तो नहीं, और तुम चाहो तो कितने काम कर सकते हो, लेकिन तुम कुछ भी करना नहीं चाहते हो। यू आर वेरी जेंटील, जेंटील वैसे तो जेंटल के लिए इस्तेमाल होता है, यहां पे जेंटील का मतलब है सॉफ्ट। यू आर टू सॉफ्ट टू वर्क, ना यू आर पैम्पर्ड, तुम्हें लाड प्यार में बिगाड़ा गया। पैम्पर का मतलब तो समझते हैं, कोई किसी को पैम्पर कर रहा है यानी लाड प्यार से उसको बिगाड़ रहा है। तो कहता है कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने बड़ा पैम्पर किया है, तुम इतने जेंटल हो गए हो, इतने सॉफ्ट हो गए, तुम कुछ करना नहीं चाहते, और करोगे तो कैसी नौकरियां करोगे, किसी कॉयर में जाके काम करोगे जैसे तुम पहले करते थे, या तुम बिलियर्ड मार्कर बन जाओगे। ये सब वो जॉब्स हैं जहां पे आप सिर्फ होते हो, कुछ करने को आपके पास होता नहीं है। सो स्कोर्जो yells at Lashkov, he scolds Lashkov and tells that he was too genteel to work, he was too soft to work, and he had been pampered so much beyond repair. He had been pampered beyond repair. उसको लाड प्यार दे दे के बिगाड़ दिया गया था इतना कि अब वो सुधर नहीं सकता था। लश्कर बोलता है, नहीं साहब ऐसा नहीं है, मेरी खुद की मजबूरियां हैं, और
वो मजबूरियां कई सारी हैं। सबसे बड़ी मजबूरी है कि अगर हमें फैक्ट्री में काम करना है तो वो काम हमें बचपन से शुरू करना पड़ता है, उसकी उम्र निकल गई है। हाउस पोर्टर के लिए इंसान को एक पर्टिकुलर क्लास का होना जरूरी है। जैसे भारत में एक वक्त पे कास्ट का सिस्टम था, वैसे यूरोप में और दूसरी कंट्रीज में एक वक्त पे क्लास का सिस्टम था। हालांकि वो क्लास सिस्टम हमारे यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है बड़े शहरों में खासकर, पर ये कहानी उस बारे में नहीं है। तो लश्कर के इतने बहाने सुनकर स्कोटजोव कहता है, इसलिए तुम झूठ बोलते फिरते हो। तो लश्कर बोलता है, साहब मैं क्या करूं, अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मैं तो ठंड और भूख से मर जाऊंगा। इफ वन डज नॉट लाई वन मे डाई ऑफ हंगर एंड कोल्ड विदाउट अ नाइट्स लॉजिंग। ऐसा क्यों कहता है? अब देखो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। लश्कर ने शायद ये बात सिर्फ एक सिंपैथी अर्जित करने के लिए कि इफ ही कुड गेट सम सिंपैथी फ्रॉम स्कोटजोव। लाइन को समझो कितनी अच्छी बात बोली उसने, बोला कि सच जो है वो किसी को भी कुछ भी दे नहीं सकता। अगर कोई किसी को सच बताता है तो वो व्यक्ति जो है, जो सच्चा व्यक्ति होता है, वो ठंड और भूख से मर जाता है। ऐसी कई कहानियां हमने पढ़ी हुई जिसके अंदर जो सच्चा व्यक्ति होता है वो जीवन भर संघर्ष करता चला जाता है। इसके बहुत एग्जाम्पल्स हमारे खुद की हिस्ट्री में भी है। राजा हरिश्चंद्र का जीवन बहुत तकलीफों भरा रहा, लेकिन लश्कर ये बात क्यों कह रहा है, उसकी बात में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर लश्कर आकर आपको कहे या कोई भी व्यक्ति आपको आकर कहे कि देखिए मैं एक शराबी हूं और मेरी शराब पीने की आदत की वजह से मेरी नौकरी छूट गई, तो अगर कोई हमें आकर ये कहेगा कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि वो शराब पीता था, तो हमें उसके लिए सिंपैथी कम होगी और हम एक्चुअल में, ईमानदारी से बता रहा हूं, ज्यादा ये सोचेंगे कि अच्छा हुआ गलत आदत डाली क्यों। हम एज अ सोसाइटी, एज अ वर्ल्ड, वी ट्रीट एडिक्शन नॉट लाइक अ डिजीज व्हिच इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। We treat addiction like a choice. Nobody is addicted by choice. Yes, initiation was a choice. Yes, trying alcohol or trying drugs or trying anything which is forbidden is a choice. But after that, addiction is not a choice. Nobody wants to be addicted. But this is what the bitter truth of society is. If anybody comes to us and tells that they are addicted and they need help, We seldom help them. हम शायद ही उनकी मदद करें, सेल्डम मतलब शायद ही। खैर इस बारे में हो सकता है लश्कर का कहना ना हो, पर जो भी लश्कर ने कहा, ही ट्राइड, ही एक्चुअली वॉन्टेड सम सिंपथी फ्रॉम स्कोटजो, बट स्कोटजो वॉज नॉट सिंपेथेटिक टूवर्ड्स रॉन्ग पीपल। स्कोटजो के अंदर दया थी, चैरिटी थी, काइंडनेस थी, बट नॉट फॉर पर्सन हु हैड जस्ट लाइड टू हिम। तो स्कोटजो सेज दैट नो 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 नो, यू हैव ऑल द एक्सक्यूजेस, इंस्टेड ऑफ लाइंग सो शेमलेसली जस्ट बिकॉज यू आर पुअर, यू कुड हैव ट्राइड टू वर्क। लश्कर टेल्स दैट आई कैन नॉट वर्क, आई नो आई नीड टू वर्क, बट फॉर वर्क आई नीड सर्टन थिंग्स एंड आई डू नॉट हैव दोज थिंग्स, आई जस्ट टोल्ड यू दोज थिंग्स। So Scotzo says that do one thing, chop wood. Lashkov says that I could chop wood, but the market for wood choppers is already down. Main lakdi kaat sakta hu, because chopping wood does not require any training, any talent, any class, nothing. You can simply, today you can go and start chopping wood, not in India, it is forbidden. In some other country or in, at that time, you could go to the jungle, you could chop wood, come to the market and sell it. But Lashkar now had another excuse that the market was down. What would I do by chopping wood? These are all excuses. So Scootzov told him, do one thing, chop wood for me. Scootzov asked him to chop wood for him. Scootzov ne kaha ki tu ek kaam kar, mere liye lakdi kaat. Main paise deta hu. Now Lashkar was trapped in his own words. Lashkar अपने खुद के शब्दों में फंस गया था, because Lashkar had himself claimed that he wanted to work. क्योंकि Lashkar ने खुद तो कहा था कि वो काम करना चाहता है, लेकिन काम के मौके नहीं है। Now he had the opportunity also. So Lashkar had to say, okay sir, I'll work. स्कोटजो starts rubbing his hand in malignant pleasure. स्कोटजो जो है वो बड़े अपने एक malignant pleasure यानी दूसरों को तकलीफ देने में जो एक थोड़ा सा मजा आता है, हर किसी को आता है, ऐसा कहना मत कि बिल्कुल ही नहीं आता, ठीक है अगर नहीं आता तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन कई लोगों को आता है, तो दूसरों को तकलीफ देने में जो मजा आता है उसके हिसाब से उसने हाथ रगड़ा और कहा, ओल्गा जरा इधर आओ। ओल्गा कौन है? ओल्गा इज मेड एट स्कोटजोस हाउस, इज अ हाउस हेल्प, है ना, मेड के लिए बेटर वर्ड क्या है, हाउस हेल्प। सो द हेल्प, हाउस हेल्प ओल्गा कम्स देयर। स्कोटजो asks her to take Lashkar to the yard, backyard of the house and give him some wood to chop.
ऑलगा टेक्स लश्कर अवे. बाय लश्कर्स डिमीनर, बाय हिज बॉडी लैंग्वेज, वी कैन अंडरस्टैंड, और द रीडर्स, द ऑथर सेज दैट एनीबडी कुड अंडरस्टैंड दैट ही डिड नॉट एक्चुअली वॉन्ट टू वर्क. He was disinterested. He had no inclination towards work. Now, what is inclination? Hindi में जैसे हम कहते हैं कि उसका उसके प्रति झुकाव है, जैसे किसी का acting के प्रति झुकाव, यानी उसका acting में interest है या लगाव है, तो inclination यानी झुकाव. तो लश्कर had no inclination for work. लश्कर को देखिए, आप समझ लो कि इसको काम करने की कोई इच्छा है नहीं, ये बेचारा मजबूरी में जा रहा है क्योंकि अभी अपनी बातों में फंस गया है. He was working just for amour propre. Amour propre यानी खुद की डिग्निटी के चक्कर में, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो काम करने जा रहा है. तो ऑलगा टेक्स हर अवे, स्कोट्सोव गोज टू द विंडो ऑफ हिज लाइब्रेरी एंड वॉचेस कि क्या हो रहा है, और क्या देखता है कि ऑलगा इज स्क्रूटिनाइजिंग लश्कर. स्क्रूटिनाइजिंग यानी जोर जोर से सवाल पूछना, कड़वे सवाल पूछना, जांच परख करना. स्क्रूटनी का वैसे मतलब होता है जांच परख. जब आप कॉलेज में एडमिशन करने लेने जाते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करते हैं, यानी वो आपके डॉक्यूमेंट्स को जांचते हैं. इन द सेम वे ओल्गा जो थी वो लश्कर को जांच रही थी, भैया कौन, कहां से आए, क्यों आए, क्यों आ गए. ओल्गा इज अ वेरी क्रॉस क्रीचर, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये ओल्गा थोड़ी गुस्सैल प्राणी है. ओल्गा गोज एंड ओपन्स दैट डोर विथ हर एल्बो, और उसके अंदर से वुड जो होती है वो पड़ी थी, तो शी ड्रॉप्स दैट वुड इन फ्रंट ऑफ लश्कर. शी थ्रोज एन एक्स नियर हिज लेग्स. शी इज सो एंग्री. कुल्हाड़ी किसी को भी फेंक के नहीं दी जाती है, बट शी इज वेरी एंग्री. स्कोट्सो समझ जाता है कि ही माइट हैव डिस्टर्ब्ड हर ड्यूरिंग हर कॉफी टाइम. कॉफी पी रही होगी और डिस्टर्ब कर दिया होगा, तो इस वजह से वो गुस्सा कर रही है. सो नाउ स्कोट्सो फील्स पिटीफुल फॉर द बेगर बिकॉज ही सीज कि बेगर ने कुल्हाड़ी को उठाया. ही प्लेस द वुडन लॉग बिटवीन हिज लेग्स and he is very weak, he is unable to lift the axe totally, but phir bhi he does that and then he aims at the log, but the force of striking was so little ki log was not cut, he could not chop the wood, the wood rather toppled away. मतलब इतने हलके से मारा कि लकड़ी कटी नहीं बल्कि लकड़ी लुढ़क के आगे चली गई. देन अगेन लश्कर वेंट पिक्ड दैट लॉग, फिटेड इट बिटवीन हिज लेग्स एंड देन अगेन ही लिफ्टेड द एक्स एंड ही वाज अबाउट टू हिट इट. ही हिट इट सो कॉशियसली एज इफ ही वाज वरीड कि ही कुड नॉट दैट ही शुड नॉट कट हिज ओन लेग. ऐसा लग रहा था लश्कर को देख के उसने इतने कॉशियसली उसको एक्स को मारा जैसे कि उसको डर लग रहा हो कि अपना पैर ना काट ले. बट देन अगेन द वुड टॉपल्ड अवे. लेकिन फिर क्या हुआ, लकड़ी फिर आगे लुढ़क गई. तो स्कोट्सो फेल्ट पिटी, स्कोट्सो को दया आई कि इतने कमजोर आदमी को मैंने इतनी ठंड में इतना कठिन काम दे दिया. स्कोट्सो फेल्ट पिटी, ही फेल्ट मर्सी ऑन दैट पर्सन एंड ही फेल्ट सोर एंड अशेम्ड. उसको खुद पे शर्म भी आने लग गई कि इतना ही डिड सच अ थिंग. नाउ दिस शोज अबाउट स्कोट्सो दैट ही वॉज एन इम्पल्सिव पर्सन. इम्पल्सिव यानी एक फीलिंग्स के इम्पल्स में रहने वाला, एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस जो फटाफट आते हैं फटाफट जाते हैं. स्कोट्सो को गुस्सा बहुत ज्यादा आया और बहुत फटाफट आया और गुस्सा शांत भी अचानक से हो गया. सो स्कोट्सो अ पर्सन विद क्लीन हार्ट, ही थिंक्स कि चलो वट एवर इज हैपनिंग फॉर हिज ओन गुड, इसके अच्छे के लिए कर रहा हूं. सो ही गोज अवे. स्कोट्सो गोज एंड गेट्स बिजी विथ हिज वर्क. हाफ एन आवर लेटर ओल्गा कम्स एंड टेल्स स्कोट्सो दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड. ओल्गा बताती है कि लकड़ी कट गई है भाई साहब. तो स्कोट्सो गिव्स सम मनी टू लश्कर and he also asks Olga to tell him that he could come to his house on the first of every month, there would be work for him. Skotzo Olga se kehta hai ki Lashkov ko bol dena ki wo har mahine ek tarikh ko aa sakta hai, har baar uske liye kaam taiyar rahega. Olga gives the money to Lashkov aur fir uske baad se Lashkov starts showing up at his house every month. Now what happens, every month Lashkar comes and he either chops wood or he beats rugs in mattresses. Now what is beating rugs in mattresses? Rugs yani carpets, mattress yani gadde, inme dhool jam jati hai. To inhe peet ke inme se dhool alag karni hoti hai. Aur kai baar he used to sweep the floor and make snow heaps. Yani ghar ke bahar baraf jam jati thi. To usko jhaadu laga ke wo jo hai snow ke dher alag alag bana deta tha.
तो इस तरीके से लश्कर हर महीने थोड़ा बहुत कुछ कमाई करके स्कोट्जो के घर से जा रहा था। देन आफ्टर सम टाइम स्कोट्जो डिसाइडेड टू मूव अवे फ्रॉम दैट टाउन। कुछ समय बाद स्कोट्जो ने डिसाइड किया कि अब वो उस शहर से चला जाएगा। सो लश्कर वॉज कॉल्ड, लश्कर आया फॉर वॉट, फॉर शिफ्टिंग द फर्नीचर फ्रॉम द हाउस टिल द वैन्स, की गाड़ी में सामान भरने के लिए कोई एक आदमी चाहिए था। लश्कर जो था ही वॉज डूइंग दैट वर्क इन अ वेरी डल सेंस, बहुत ही धीरे धीरे वो सामान हिला रहा था और वो प्रिटेंड भी ज्यादा नहीं कर रहा था। जैसे कई लोग सामान उठाते हैं तो ऐसा होता है कि पांच लोग सामान उठाए तो उसमें से एक व्यक्ति जो है एक्चुअल में सिर्फ सामान को उठाने का नाटक कर रहा है, उसने वजन लिया नहीं है खुद पे। बट लश्कर वॉज नॉट इवन प्रिटेंडिंग टू डू सो। लश्कर को देखकर आप समझ सकते थे कि ये नाटक भी नहीं कर रहा है, ही वॉज एक्चुअली नॉट वर्किंग, ही वॉज जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ बींग देयर। लश्कर जो है सामान लेकर बाहर आता है और वैन के पास खड़े, अब वो क्यों हंसते हैं, एक्चुअल में लश्कर ने स्कोट्जो का भेजा हुआ एक सूट पहना है। स्कोट्जो ने कुछ महीने पहले अपना एक पुराना सूट कोट वगैरह लश्कर को भेज दिया था कि तू पहन ले। तब लश्कर इज वेरी थिन, ही इज वेरी स्लिम एंड ही इज वेरी वीक एंड हिज बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी वीक एंड ऑन दैट ही इज वेयरिंग अ सूट सो दैट लुक्ड फनी। तो इस वजह से वैन वाले उसके ऊपर हंस रहे थे। लश्कर कुड नॉट अंडरस्टैंड, लश्कर को समझ नहीं आया कि क्यों हंस रहा है, बट ही सेज अपने को क्या करना। सो ही हेल्ड स्कोट्जो विद मूविंग अवे। जस्ट बिफोर लीविंग स्कोट्जो आज लश्कर टू कम इनसाइड द हाउस एंड ही गेव लश्कर अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक कागज पे लिख के दिया। पहले उसने लश्कर से पूछा, डू यू नो हाउ टू राइट, लश्कर से पूछा तो लिखना आता है, तो लश्कर ने कहा हाँ लिखना आता है। देन स्कोट्जो प्रेज्ड हिम, स्कोट्जो ने तारीफ की, देखो मेरे शब्दों का असर पड़ा है, आई एम सीइंग दैट यू हैव चेंज्ड, अर्लियर यू वर लाइंग अराउंड ऑल द वे कि आई एम अ स्कूल मास्टर, आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, बट नाउ यू आर वर्किंग, यू आर नॉट एज मच डिसइंक्लाइन टूवर्ड्स वर्क, अब तुम काम में थोड़ी रुचि रखने लग गए हो। तो ही आस्क डू यू नो हाउ टू राइट, लश्कर सेज यस आई नो हाउ टू राइट। देन स्कोट्जो आस्क व्हाट्स योर नेम, पहली बार स्कोट्जो ने लश्कर का नाम पूछा। हम लश्कर का नाम जानते हैं, स्कोट्जो लश्कर का नाम नहीं जानता था। इसका मतलब हो सकता है राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले स्कोट्जो ने लश्कर को इस लायक नहीं समझा कि इसका नाम पूछा जाए। शायद स्कोट्जो अभी तक उसको एक भिखारी या एक ऐसा इंसान मान रहे थे या एक ऐसा ऑब्जेक्ट मान रहे थे जो उनके ऊपर एक लायबिलिटी है, लेकिन आज पहली बार लश्कर ने स्कोट्जो की नजरों में थोड़ा सा सम्मान अर्जित कर लिया था। परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम लश्कर वॉज डिग्निफाइड इनफ फॉर स्कोट्जो टू आस्क हिज नेम। तो पहली बार लश्कर का नाम पूछा गया। स्कोट्जो रोट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्कोट्जो नॉट बेसिकली अ लेटर, अ स्लिप। स्कोट्जो ने अपना कुछ लिखा एक कागज पे और कहा लश्कर को, गो एंड गिव इट टू माई कलीग, मेरे एक कॉलीग है, मेरे एक सहकर्मी है, उनको जाकर ये चिट दे देना, ये कागज दे देना और वो तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे। सो लश्कर सेज ओके एंड ही गोज अवे। नाउ आफ्टर टू इयर्स स्कोट्जो अगेन मीट्स लश्कर। हाउ? स्कोट्जो वॉज स्टैंडिंग इन अ लाइन आउटसाइड अ थिएटर टू बुक टिकट्स एंड देयर ही सॉ दैट देयर वॉज वन मैन बिसाइड हिम, अ फीबल मैन, फीबल वीक सा मैन, एंड ही वॉज वेयरिंग अ लैम स्किन कोट एंड अ कैट स्किन दिस कैप। सो स्कोट्जो रिकॉग्नाइज्ड हिम, ही सेड लश्कर इज दैट यू? उसने पूछा लश्कर क्या तुम हो? तो लश्कर कहता है यस सर इट इज मी, हाँ सर मैं हूं। तो स्कोट्जो कहता है वाओ लुक एट यू, यू हैव चेंज, तुम कितने बदल गए हो। तो लश्कर कहता है यस सर। स्कोट्जो कहता है देखा, ये मेरे शब्दों का क्या धरा है, अगर उस दिन मैंने तुम्हें डांटा नहीं होता, अगर उस दिन मैंने तुम्हें काम नहीं दिया होता, अगर उस दिन मैंने तुम्हें लेक्चर नहीं दिया होता, हैड आई नॉट गिवन यू द लेक्चर दैट डे, हैड आई नॉट स्कोल्डेड यू दैट डे, यू वुड स्टिल बी गोइंग अराउंड लाइक अ सूडो स्कूल मास्टर और सूडो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तुम आज भी किसी झूठे स्कूल मास्टर या झूठे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बनके घूमते रहते। सूडो का मतलब होता है झूठा। तो लश्कर कहता है यस सर आई एम इंडेबटेड टू यू, यस सर मैं आपके कर्ज के तले दबाव हूं। इंडेबटेड, देखो किससे बना ये शब्द, डेट, DEBT, डेट, डेट नहीं, डेट, डेट यानी कर्जा, डेटेड, इंडेबटेड यानी आपके कर्जे के तले दबा हुआ। तो स्कोट्जो कहता है यू आर माई गॉडसन। अब देखो गॉडसन क्या होता है, कितनी बड़ी बात कही गई, इस बात को समझना। स्कोट्जो कहता है कि यू आर माई गॉडसन,
गॉड सन क्या होता है, गॉड फादर क्या होता है, जो व्यक्ति आपके ऊपर उपकार करके एक तरीके से आपको पाले, जो आपका पिता ना होते हुए वो आपका गॉड फादर होता है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों के गॉड फादर होते हैं, जो आपको काम दिला दे वो आपका गॉड फादर बन गया, जो आपके ऊपर बहुत उपकार करे वो आपका गॉड फादर बन गया और आप उसके बन गए गॉड सन। तो उसको जो अपने मुंह से लश्कर कहता है यू आर माई गॉड सन, मतलब ये इसका गॉड फादर। तो लश्कर कहता है सर मैं आपके कर्ज तले दबा हूं और आपने मुझे रेक्टिट्यूड के पाथ यानी सही मार्ग पे डाला है, बट आई वॉज नॉट चेंज बिकॉज ऑफ यू, आई एम मोर इंडेटेड टू ऑल्गा। लश्कर ने स्कोटजो के अभिमान को, जो कि अक्सर होता है अच्छे लोगों में, उसको यहां से यहां ले आया और बोला कि सर मैं बदला तो हूं और आपका बहुत कर्जा है मुझ पर, लेकिन आपकी वजह से नहीं बदला, मैं बदला हूं ऑल्गा की वजह से। लश्कर फिर उसको कहता है कि मैं आपकी वजह से नहीं बदला हूं, मैं बदला हूं आपकी मेड ओल्गा की वजह से। स्कोट्ज़ो कहता है कि ऐसा कैसे? तो लश्कर कहता है कि सर आपके शब्द बहुत अच्छे थे, दे वर ऑल फाइन, बट देन ओल्गा शी टुक मी टू द यार्ड, शी स्कोल्डेड मी, वो मुझे डांटती थी, शी अब्यूज मी, मुझे गाली देती थी, शी यूज टू से कि यू गॉड फोरसेकन मैन, तुम भगवान ने पता नहीं तुम्हें क्यों बनाया है, एंड यू अनग्रेटफुल क्रीचर, यू हैव नो, यू आर थैंकलेस फॉर दिस लाइफ एंड इन नेक्स्ट यू विल रॉट इन हेल। वो कहती थी कि तुम एक नाशुक्र इंसान हो, तुम्हें जिंदगी कोई कदर नहीं है, तुम शराब पीते हो, यू ड्रंकर्ड, तुम शराब पी के अपनी जिंदगी खराब करो और अगली जिंदगी में तुम नर्क की आग में जलोगे। और फिर ये सब कहने के बाद वो बैठकर मेरे लिए रोया करती थी, एंड आफ्टर स्कोल्डिंग मी सो मच, आफ्टर सेइंग सो मेनी हार्श थिंग्स अबाउट मी, शी वुड सिट एंड वीप फॉर मी, शी वुड वेल फॉर मी, शी वुड क्राई फॉर मी। फिर वो जब देखती थी कि मुझसे कुल्हाड़ी से लकड़ी नहीं कट रही है क्योंकि मैं इतना कमजोर हो गया था, व्हेन शी वुड रियलाइज दैट आई वाज अनएबल टू चॉप वुड, शी टुक द एक्स, शी चॉप द वुड एंड गेव मी द मनी, शी डिड इट सो मेनी टाइम्स। वो लकड़ी और कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी लेती थी, लकड़ी काटती थी और पैसे लाकर मुझे दे दिया करती थी। सर योर वर्ड्स, योर वर्ड्स वर फाइन, योर वर्ड्स वर वेरी वेरी डीप, बट हर एक्शन वॉज डीपर, लेकिन उसका जो एक्शन था उसने मुझे टच किया, ज्यादा गहराई से असर दिया, इट टच्ड माई सोल एंड इट कंपेल्ड मी टू चेंज। आपके शब्दों से अक्सर लोगों के दिमाग तक पहुंच सकते हो, लेकिन आपके एक्शन से आप उसके दिल तक पहुंच सकते हो। एग्जैक्टली वही यही हुआ। स्कोट्ज़ो की डांट का लश्कर पर उतना असर नहीं पड़ा जितना ओल्गा की काइंडनेस पे पड़ा। दिस वॉज अ मदरली बिहेवियर दैट शी वुड स्कोल्ड हिम, शी वुड येल एट हिम, बट देन शी वुड हेल्प हिम। सो आफ्टर सेइंग दैट लश्कर वेंट अवे। लश्कर ऑल्सो सेड दैट शी एक्चुअली हेल्प मी टू क्लाइंब आउट ऑफ द पिट। नाउ सच अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन दिस इज, क्लाइंबिंग आउट ऑफ द पिट, पिट यानी गड्ढा। जब जीवन में आपके सामने बहुत समस्या आ जाती है तो आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी गड्ढे में गिर गए, एंड देन वन पर्सन और टू पर्सन दैट डज नॉट मैटर, बट समबडी कम्स एंड थ्रोज अ रोप फॉर यू, कोई आता है और रस्सी देता है और फिर आपको उस गड्ढे से बाहर निकलने में मदद करता है। यू नीड हेल्प टू क्लाइंब आउट ऑफ दैट पिट। एक फिल्म में हमने डायलॉग सुना, मुझे पता तुम लोग से पूछूंगा मैं लाइव सेशन में कि कौन सी मूवी का डायलॉग है, पर फिर ओल्गा ने उसको हेल्प किया क्लाइंब आउट ऑफ द पिट और फिर उसके बाद लश्कर वहां से चला जाता है और स्कोट्ज़ो सोचता रह जाता है। वो क्या सोच रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ऑथर क्या चाहते हैं कि हम सोचें, और वो ये चाहते हैं कि हम जान लें कि वर्ड्स डू नॉट चेंज द वर्ल्ड, एक्शंस डू। आपके शब्द दुनिया को नहीं बदल सकते, आपके एक्शंस बदल सकते हैं। एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। आप कहने को 100 अच्छी बातें कह सकते हो, लेकिन आपके द्वारा किया गया एक अच्छा काम दुनिया बदल सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो दिस वॉज अ लवली स्टोरी विद अ ट्विस्ट। आई होप यू लाइक द नरेशन, आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, ऑल्दो इट वुड हैव बीन मोर इफेक्टिव इफ वी वर मीटिंग इन पर्सन, बट एनी वे वॉट एवर रिसोर्सेज वी हैव वी आर ट्राइंग टू डू आर बेस्ट एंड आई होप वी इम्प्रूव आर सेल्व विद एवरी वीडियो प्रेजेंटेशन एंड वी मिस यू ऑल हियर इन द स्कूल एंड वी आर वेटिंग फॉर यू ईगरली, वी आर वेटिंग फॉर यू ईगरली। थैंक यू।